नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजेस। इस टॉपिक को मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई सरफेस है उस सरफेस पर लाइट रे आई और टकराने के बाद वापस चली गई। अभी तो यहां पर क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है और जा रही है, तो आने वाली लाइट और जाने वाली लाइट बहुत दूर दूर है, ये आपस में मीट नहीं कर रही है। पर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लाइट रे आ रही है और आने के बाद जब वापस जाती है तो वो आपस में टकरा जाती है, यानी कि मीट कर जाती है। जहां पर वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आपस में मीट कर जाती है वहां पर क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। पर अभी ऐसा इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है वही टकरा करके जा रही है। अभी उसी ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रे, एक और लाइट रे आ रही है, क्लियर है क्या, ये लाइट रे आई इंसिडेंट लाइट और वो जाकर के ऐसे टकरा है, क्लियर है क्या। तो इसी ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज आई थी, ध्यान रखिएगा, पहली ये आई रिफ्लेक्ट होकर गई, दूसरी लाइट रे यहां पर आई और टकरा कर गई। तो इससे निकलने वाली जो दो लाइट थी इंसिडेंट लाइट, जब वो टकरा के गई, उन दोनों लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, और वो इस पॉइंट पर जाकर क्या कर गई, मीट कर गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आई है, वो दोनों जाकर के क्या हो गई, मीट कर गई, यानी कि टकरा गई। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा। इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो ये है एक्चुअली में इमेज का मीनिंग। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं इमेजेस, तो इसका मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। मैं मीनिंग सिर्फ इतना सा क्लियर करना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आई, किसी सर्फेस से टकराई और रिफ्लेक्ट कर गई, इस ऑब्जेक्ट से एक और लाइट आई, इस सर्फेस से टकराई और वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे जो दो रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही हैं, अगर वो दो रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर भी जाकर के मीट कर जाए, पॉइंट कर जाए, उस पॉइंट पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। किसका बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट से ये लाइट रेस आई है और रिफ्लेक्ट करने के बाद आपस में, आई मीन जब रिफ्लेक्ट करी तो रिफ्लेक्ट जब करा है तो उन्होंने एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया या मीट किया, उस पॉइंट पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। किसका बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो इमेज बनने के वैसे तो दो तरीके होते हैं, मैंने अभी सिर्फ एक तरीका बताया, दूसरा तरीका मैं आपको अभी और बताऊंगा। देखो, एक तरीका मैं आपको क्लियर कर दिया कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेस आ रही है, सरफेस पर टकरा रही है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर रही है, और एक लाइट रे आई टकराई रिफ्लेक्ट कर गई, उसी ऑब्जेक्ट से दूसरी लाइट रे आई टकराई और रिफ्लेक्ट कर गई। और जब ये दो, एटलीस्ट दो तो होनी चाहिए, जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आगे जाकर के एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है या मीट करती है, उस पॉइंट पर इमेज ड्रॉ होता है, उस पॉइंट पर इमेज बनता है। किसका, जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रेज आई है। एक तरीका तो ये होता है इमेज फॉर्म करने का। ऐसी इमेजेस एक्चुअल में रियल इमेजेस होती है। कौन सी इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस होती हैं। तो इमेज बनाने का तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक सरफेस है, क्लियर, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, क्लियर, लाइट रे आई इंसिडेंट रे टकराने के बाद चली गई, क्लियर है क्या। अब ये एक लाइट रे आई इंसिडेंट रे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। मान लीजिए अब इससे दूसरी लाइट रे और निकल रही है और वो दूसरी लाइट रे यहां पे आई। अब दूसरी लाइट रे आ तो रही है पर ध्यान रखिएगा ये इससे टकरा नहीं रही है, ये इससे टकरा नहीं रही है। पर ध्यान रखना, अगर आप नोटिस करेंगे थोड़ा सा ये लाइट में इसको सही, इस रे को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है इमेज बनाने का, दूसरा तरीका यह है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आई, ये इंसिडेंट लाइट है और ये टकरा के चली गई, इस ऑब्जेक्ट से दूसरी लाइट रे आई और ये टकरा के चली गई। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये लाइट रे कभी भी आगे जाकर के मीट नहीं करेंगी। आप देख लीजिए ये इन दोनों के बीच में एंगल, जैसे जैसे इनका लाइट का प्रोपेगेशन बढ़ता जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता जा रहा है, ब्रॉड होता जा रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि एक ही ऑब्जेक्ट से जनरेट हुई है, उनके इंसिडेंट लाइट के टकराने से दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज जनरेट हुई हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे जैसे ये दोनों लाइट रे आगे जाती जाएंगी, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब आगे जितना भी ले जाओगे ये लाइट रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो इनका मीट करने का तरीका एक और है, उस तरीके को बोलते हैं वर्चुअल तरीका या वर्चुअल टाइप। वर्चुअल टाइप इन द सेंस, जो लाइट आगे जाकर के ब्रॉड हो रही है, जिनका कभी मिलने की कोई संभावना नहीं है, पर अगर आप इनको वर्चुअली मीट कराना चाहते हो तो ये वर्चुअली मीट कर सकते हैं। कैसे, आप कोई चीज ऐसे ब्रॉड होती जा रही है तो जब बैक साइड पे लेके जाओगे तो वो क्या करेंगी, मीट करेंगी। जब कोई चीज आगे जाके ब्रॉड होती जा रही है तो उनको जब बैक साइड पे लेके जाओगे तो वो क्या करेंगी, मीट करेंगी। तो मैं इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड पे लेके जा रहा हूं,
वर्चुअली लेके जा रहा हूँ, हकीकत में नहीं, वर्चुअली लेके जा रहा हूँ। तो जब इन दोनों को बैक साइड पे लेकर के जाऊंगा तो बैक साइड पे तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइट रेस मीट करेंगे। बैक साइड पे जब इन दोनों लाइट रेस को लेके जाऊंगा, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को जब मैं बैक साइड पे लेके जाऊंगा वर्चुअली, तो वर्चुअली लाइन्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन्स को, वर्चुअली लाइन्स को हम क्या किससे इंडिकेट करते हैं, डैश डैश लाइन से। तो वर्चुअली या इमेजिनरी तरीके से इन दोनों लाइट रेस को अगर मैं बैक साइड में लेके जाऊंगा तो अफकोर्स बैक साइड में ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो यहाँ पे भी बेटा क्या ड्रॉ होगा, क्योंकि इन्होंने दोनों रिफ्लेक्टेड रेस ने क्या करा, एक दूसरे को मीट किया है, हालांकि ये वर्चुअली किया है, इमेजिनरी तरीके से किया है। तो यहाँ पर भी जहां पर इन्होंने ये मीट किया है वर्चुअली तरीके से, वहां पर भी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। पर ये इमेज बनाने का दूसरा तरीका होता है, पर ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। मैं दोबारा से आपको एक चीज बता देता हूं, मैं टॉपिक पढ़ा रहा था इमेजेस। इमेजेस दो टाइप की होती है, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस कैसे बनती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आई, वो किसी सरफेस से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपको इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो रेज चाहिए, टू रेज ऑफ लाइट इज नीडफुल टू मेक अ इमेज। तो मैं आपको बता देता हूं, एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई टकरा करके गई, उसी ऑब्जेक्ट से दूसरी लाइट रे आई और टकरा के गई, तो दो रिफ्लेक्टेड रेज गई। अगर वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को क्या कर गई, मीट कर गई, रियल में एक दूसरे को क्या कर गई, मीट कर गई, ये इंटरसेक्ट कर गई, तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर, उस मीटिंग पॉइंट पर क्या बनेगा, इमेज। वो इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का जिस ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्टेड रेज आई। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई और वो चली गई रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ, और उसी ऑब्जेक्ट से दूसरी रे ऑफ लाइट आई और वो भी टकराने के बाद चली गई। अब वो आप देख रहे हो कि वो दोनों रेस कभी भी आगे जाकर के मीट नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है। तो आप ध्यान रखना, जिनके बीच में, दो रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में अगर एंगल ब्रॉड हो रहा है, तो अगर आप उनको बैक साइड में वर्चुअली मिलाएंगे, इमेजिनरी तरीके से मिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बैक साइड में किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के तो मिलेंगी। अगर वो मिल रही है दोनों रिफ्लेक्टेड रेस, तो वहां पर भी क्या बनेगा, इमेज बनेगा। पर ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, इमेज बनाने के दो तरीके हैं। एक तो होता है रियल इमेज जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती हैं, एक तरीका होता है वर्चुअल इमेज जहां पे उन दोनों लाइट रेज को इमेजिनरी यानी वर्चुअल फॉर्म में मिलाया जाता है, तो ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, और मिटाने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि रियल इमेज रब कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट से अगर आपको उसकी इमेज बनानी है, तो उससे आने वाली इंसिडेंट रेस जब टकरा करके रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट होती हैं, तो इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट मिनिमम दो रेस तो चाहिए, और वो दो रेस क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेस। क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेस। एक ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आई, टकराई, रिफ्लेक्टेड है, उसी से दूसरी आई, टकराई, रिफ्लेक्टेड है। अगर वो दोनों रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में मीट करती हैं, तो रियल इमेजेस बनेंगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट से दो रेस आई इंसिडेंट और टकरा करके चले गई, दो रिफ्लेक्टेड रे चलेगी, अगर वो नहीं मिल रही है, अगर आप वो उनको वर्चुअली इमेजिनरी बैक साइड में मिलाएंगे, अगर वो मीट कर गए, तो ये सेकंड टाइप का इमेज होता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब मैं दोनों को मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं इसको रब कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए रियल इमेज तो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन रेज के इंटरसेक्शन से बनती है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है, क्या कर रही है, मीट, रियली मीट कर रही है, या आप बोल सकते हो एक्चुअली मीट कर रही है, एक्चुअली क्या कर रही है, मीट कर रही है। एक्चुअली मीट का मतलब है रियली, जब वो जा रही है और सच में वो क्या कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो तब क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। और इधर वर्चुअल इमेज में अगर मैं बता दूं कि रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट अपीयर्स टू बी मीट, यानी कि वो आप रिफ्लेक्टेड रेस आगे तरफ जा रही हैं पर आपको लग नहीं रहा कि वो मीट करेंगे, तब हम उनको बैक साइड में वर्चुअली क्या कराते हैं, मीट कराते हैं। जब वर्चुअली आप मीट कराते हैं या इमेजिनरी तौर से मीट कराते हैं, तो वहां पर जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब मैं दूसरा आपको बताता हूं, यहां पर रियलिटी में वो चीजें मीट नहीं करती, वो चीजें मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट नहीं करती, उनको हम वर्चुअली मीट कराते हैं बैक साइड में, तब इमेज का मतलब वर्चुअल इमेज। दूसरा डिफरेंस मैं बता देता हूं, रियल इमेजेस जो होती हैं, रियल इमेजेस
आर ऑप्टेंड, मैं बस शॉर्टकट में लिखा हूं, आप सिर्फ समझिए भावनाओं को, कि रियल इमेजेस जो होती हैं वो ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन, रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हैं, रियल इमेजेस आर ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन। हो सकता है थोड़ा सा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम मैंने कर दिया है, मैं एडी हटा देता हूं, ठीक है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि रियल इमेजेस कैन बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, ऑप्टेन कर सकते हैं, यानी स्क्रीन पर हम रियल इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सकते। इस पॉइंट को मैं अभी और इलेबोरेट करूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि रियल इमेजेस को स्क्रीन पर ऑप्टेन किया जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं किया जा सकता। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी इमेज है, और जो इमेजिनरी इमेज है उसको आप कर्टन पर, पर्दे पर, स्क्रीन पर ऑप्टेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो चीजें वर्चुअली है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते। अब जो रियल इमेजेस होती हैं उनको स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जब एक्चुअल में मीट करती है वहां पर क्या बन जाती है, इमेज। अब वो इमेज जब बन रही है तो आप उसको स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हो, आप पर्दे पर ऑप्टेन कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है वो क्या कर रही है, मीट कर रही है, मीट कर रही है तो वहां पर क्या बनेगा, इमेज, और वहां पर क्या है, पर्दा है, कर्टन है, स्क्रीन है, तो वहां पर तो क्या फॉर्म हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो रियल इमेज को तो हम कर्टन पे, पर्दे पर ऑप्टेन कर सकते हैं, पर वर्चुअली इमेजेस को नहीं कर सकते, क्योंकि वो मीट कर ही नहीं रही है, वो तो बाहर जा रही है, उसको तो हम वर्चुअली मीट करा रहे हैं, तो वो चीज पर्दे पर या कर्टन पर ऑप्टेन नहीं हो सकती। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई एसी चालू कर दे, पसीना बहुत आ रहा है। देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब हम थिएटर्स में जाते हैं तो थिएटर्स में जब हम मूवी देखते हैं तो वहां पर जो इमेजेस हैं वो कर्टन पर ही ऑप्टेन हो रही है। अब वो कर्टन पर ऑप्टेन हो रही है तो इसका मतलब वो कौन सी इमेजेस हैं, रियल इमेजेस हैं। एग्जैक्टली इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा, जो थिएटर में हम लोग मूवी देख रहे हैं वहां पर मूवी एक कर्टन पर ऑप्टेन हो गई है और हम उसको देख रहे हैं, तो वो जो इमेजेस होती हैं वो तुम्हारे आप लोगों के अकॉर्डिंग, सॉरी आप लोगों के अकॉर्डिंग वो क्या होगा कि वो सारी की सारी इमेजेस आपको क्या लग रही होंगे, रियल इमेजेस, क्योंकि उन सारी मूवी को, उन सारी इमेजेस को हमने क्या कर लिया, कर्टन पर ऑप्टेन कर लिया। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, मैं इसको अभी सॉल्व कराऊंगा, आई मीन इस चीज के बारे में मैं आपको आंसर करूंगा। एक्चुअली जो थिएटर में आप इमेजेस देखते हो मूवी की, जो कर्टन पर ऑप्टेन की गई है, वो एक्चुअली में रियल इमेज नहीं है, वो एक वर्चुअल इमेज है। इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद करूंगा, जैसे ही मैं इसका थर्ड पॉइंट क्लियर कर देता हूं। देखिए इसका थर्ड पॉइंट क्लियर कर देता हूं, थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 1, 2 and 3 गॉन। ध्यान से देखिएगा कि इसका जो लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है, लास्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि देखिए जो रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, जो रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा क्या रहती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड का मतलब मैं बताता हूं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी रियल इमेज बन रही है तो वो इसकी हमेशा उल्टी बनेगी। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है, ये इसका क्या है, इमेज है, क्या है ये, इसका इमेज है, तो हमेशा अगर ये ऑब्जेक्ट सीधा है और इससे आपने क्या बनाई है, रियल इमेज बनाई है, क्या बनाई है, रियल इमेज बनाई है, तो हमेशा रियल इमेज ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या बनती है, उल्टी बनती है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है, तो वो ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज बनेगा उसका क्या बनेगा, इन्वर्ट बनेगा, उल्टा बनेगा। इसका एरो इधर है तो उसका एरो इधर है। ध्यान रखिएगा रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो उसका रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लास्ट और थर्ड पॉइंट है वर्चुअल इमेज का, वो ये रहता है कि वर्चुअल इमेज में जो भी इमेजेस हमको फॉर्म होती हैं वो इरेक्ट होती हैं। कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट होने का मतलब होता है सीधा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की अगर आप वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज आपको मैंने बता ही दिया कि अगर इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज जाएंगी सरफेस पर टकराएंगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, एटलीस्ट 2 रेज होनी चाहिए, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोनों रेज आगे जाकर कहीं पर मीट नहीं होंगी क्योंकि वो ब्रॉड होती जा रही है, तो उनको बैक साइड में हमको उनको क्या मिलाना पड़ेगा, वर्चुअली मिलाना पड़ेगा, और वर्चुअली जहां पे वो मीट करेगी वहां पे क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। बट वर्चुअल इमेज के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि वो जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी होगी। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी एज इट इज डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, ऐसा है तो एज इट इज सीधी बनेगी, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा ही इमेज होगा। इसका हेड आप देख रहे हैं ऊपर है तो इमेज का हेड भी ऊपर बनेगा, इसका टेल अगर नीचे है तो उसका टेल भी ऐसा बनेगा, यानी कि एज इट इज जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही इमेज उसकी एज इट इज बनती है, यानी इरेक्ट बनती है, यानी कि सीधी बनती है। ये बेसिक 3 पॉइंट्स हैं जो रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब राइट नाउ मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जो मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले ये बोला था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने अभी अभी बोला कि जो भी रियल इमेजेस होती हैं उनको हम कर्टन पे,
पर्दे पर ऑप्टेन कर सकते हैं, और वो जनरली कैसी होती है, इन्वर्टेड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उनकी वो जो इमेजेस होती है वो कैसी होती है, उल्टी होती है। फिर मैंने एक आपको एग्जांपल बोला था कि अगर जब भी हम मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर के अंदर सामने कर्टन रहता है, पर्दा रहता है, वहां पर अगर आप जो भी मूवी देख रहे हैं वहां पे जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस की इमेजेस देखते हैं वो एक्चुअली हमने कर्टन पर ऑप्टेन करी है। अब जब वो कर्टन पर ऑप्टेन करी है मतलब वो सारी इमेजेस कैसी है, रियल इमेजेस। बट वहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि वो रियल इमेजेस है पर वो सीधी क्यों है, वो तो कैसी होनी चाहिए थी, उल्टी होनी चाहिए थी। शाहरुख खान या कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस है वो बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है, जबकि वो सारी इमेजेस हमने कर्टन पर जो है ऑप्टेन करी है, हम लोग उनको टच कर सकते हैं उन इमेजेस को कर्टन पे, वर्चुअल इमेजेस को हम लोग कभी टच नहीं कर सकते। ये इनका चौथा पॉइंट डिफरेंस है, रियल इमेजेस को वी कैन टच क्योंकि वो कर्टन पर ऑप्टेन होती है, पर जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो कर्टन पर ऑप्टेन नहीं हो पाती, पर्दे पर ऑप्टेन नहीं हो पाती, इसलिए हम उनको छू नहीं सकते। तो बेसिकली अगर हम थिएटर में जाते हैं मूवी देखने तो वहां पे जो भी इमेजेस है जिनको हमने कर्टन पर ऑप्टेन किया तो हम लोग उनको देख ही रहे हैं, पर सबसे बड़ा पॉइंट ये कि वो सीधी कैसे हैं, इरेक्ट कैसे हैं, जबकि वो इमेजेस कैसी होनी चाहिए थी, उल्टी होनी चाहिए थी। सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आपको कैसे नजर आने चाहिए, उल्टे नजर आने चाहिए, क्योंकि वो रियल इमेजेस है तभी तो हमने उनको कर्टन पर ऑप्टेन किया, पर वो हमको कैसी नजर आ रही है, इरेक्ट कैसी नजर आ रही है, इरेक्ट, जबकि होनी कैसी चाहिए थी, वो जो है इन्वर्टेड होनी चाहिए क्योंकि वो रियल इमेजेस है। तो उसके पीछे एक कारण बता देता हूं कि ये एक्सेप्शन है, होती तो वो सारी इमेजेस रियल है क्योंकि हमने उनको कर्टन पे ऑप्टेन किया और हम लोग उन इमेजेस को टच कर सकते हैं। आपको एक चीज पता होगा, जहां से ये प्रोजेक्ट होती है मूवी, जहां पे आप सीट पर बैठे रहते हैं थिएटर पे, थिएटर में सीट पर बैठे रहते हैं, तो आपको पता है ये सारी की सारी जो जो इमेजेस हैं, ये सारी की सारी जो मूवी है वो कहीं ना कहीं ऊपर से क्या होती है, प्रोजेक्टर के थ्रू क्या होती है, प्रोजेक्ट होती रहती है, पर वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट नहीं होती, उनके बीच में ग्लास लगा होता है, उस ग्लास की हेल्प से या फिर वो जो प्रोजेक्टर होता है जहां से सारी की सारी मूवीज आ रही हैं, सारी की सारी जो इमेजेस, सारी की सारी जो रेज वहां से आ रही हैं, वहां पर एक ग्लास लगा होता है या फिर प्रोजेक्टर में एक फर्दर एक ग्लास लगा हुआ होता है, तो जब वो सारी की सारी इमेजेस आ रही होती हैं, सारी की सारी जो रेज आ रही होती है, एक्चुअली अगर हम डायरेक्टली उनको स्क्रीन पर ऑप्टेन करेंगे तो वो इन्वर्टेड ही होंगी, उल्टी होंगी, पर वहां पर प्रोजेक्ट करने से पहले उनके बीच में ग्लास होता है, वो ग्लास से उन इमेजेस को हम लोग को क्या करना पड़ता है, आई मीन वो जो थिएटर वाले पर्सन है उन इमेजेस को क्या कर देते हैं, वर्चुअल कर देते हैं, आई मीन वर्चुअल इन द सेंस, सॉरी वर्चुअल टर्म गलत हो गया, उनको इरेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि जब वो सारी की सारी इमेजेस प्रोजेक्ट की जाती है कर्टन पर, तो अगर वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट करें तो वो सारी की सारी इमेजेस रियल इमेजेस है, तो आपको देखने को तो कैसी मिलेगी, उल्टी देखने को मिलेगी, बट उनके बीच में ग्लास लगा हुआ होता है, उस ग्लास से उन सारी इमेजेस को जो कि ऑलरेडी इन्वर्टेड इमेजेस है, उस ग्लास से जब वो ऑप्टेन पार यानी कि क्रॉस होते हुए जाती है, तो उन इमेजेस को, इन्वर्टेड इमेजेस को क्या कर दिया जाता है, इरेक्ट, और वो इरेक्ट इमेजेस को हम कर्टन पर ऑप्टेन करते हैं। इसलिए थिएटर पर जो भी आपको रियल इमेजेस नजर आती है वो कैसी नजर आती है, इरेक्ट नजर आती है, जबकि होती वो कैसी है, इन्वर्टेड होती है, उनको एक ग्लास के थ्रू फिल्टर करके सीधा किया जाता है। तो आपको आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि रियल इमेजेस क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस क्या होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमको इस चैप्टर के अंदर, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन नाम का जो टॉपिक है हमारा, उस रिफ्लेक्शन को अपन को प्लेन सरफेस पर भी पढ़ना है कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होता है। उसके बाद मैंने बोला कि इसी रिफ्लेक्शन को हमको पढ़ना है कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, तो उसके ऊपर भी अगर लाइट रेज गिराएंगे तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, यानी प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन कैसा होता है उसके बारे में पढ़ना है, और जो स्फेरिकल सरफेस है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन कैसा होता है उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि प्लेन सरफेस से अगर हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वो कैसा होगा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि स्फेरिकल सरफेस से अगर हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वो कैसा होगा। पर ये चीज समझने से पहले आपको प्लेन सरफेस के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। तो प्लेन सरफेस जो होती है उसके अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है मिरर, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है प्लेन सरफेस से और स्फेरिकल यानी कि कर्व्ड सरफेस से, तो हम लोगों को सबसे पहले सरफेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वो दो सर्फेसेस हैं जिनकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है। तो बेसिकली वो दो सर्फेसेस जो होती है, आई मीन टू से दैट रिफ्लेक्शन अगर आपको पढ़ना है तो आपको मिरर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? मिरर, क्योंकि मिरर की हेल्प से ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो एक बार अपन प्लेन मिरर से, हम लोग एक बार प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, एक बार हम स्फेरिकल मिरर से क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होता है और स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो बेसिकली हम लोग को मिरर पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक मैं लेके जा रहा हूं वो लेके जा रहा हूं प्लेन मिरर। तो मैं पहले मैं आपको प्लेन मिरर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसा होता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, देन वी विल मूव टू स्फेरिकल मिरर। जैसे ही स्फेरिकल मिरर कवर कराऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस स्फेरिकल मिरर यानी कि उस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब देखिएगा प्लेन मिरर ध्यान रखिएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में आपको एक चीज बता दूं, पहले तो मैं एक टर्म क्लियर कर दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिरर। तो मिरर क्या होती है, एक स्मूथ सरफेस होती है। मिरर क्या होती है, एक स्मूथ सरफेस होती है जिसके ऊपर जो भी लाइट रेस गिरेंगी वो लगभग लगभग 100% लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। उस स्मूथ सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। मैं दोबारा बोल देता हूं, मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर एक ऐसी स्मूथ सरफेस होती है जिसके ऊपर जितनी भी लाइट रेस गिरेंगी लगभग लगभग 100% लाइट रेस को क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं मिरर। अब मिरर होते हैं दो टाइप के, प्लेन मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर हम पहले पढ़ रहे हैं। तो प्लेन मिरर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिस पर अगर लाइट रेस गिरेंगी और लाइट रेस अगर वो गिरती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी मीडियम में आ तो जाती हैं, पर प्लेन मिरर से बनने वाली जितनी भी इमेजेस होती हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। वो कैसी होती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। तो प्लेन मिरर के अंदर ये पहला ही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है कि अगर प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस प्लेन मिरर पर गिरती हैं और रिफ्लेक्ट होकर के जाती हैं, तो वो एक्चुअल में वो लाइट रेस, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस है, वो कभी भी मीट नहीं करती। उनको हमको बैक साइड में वर्चुअली क्या कराना पड़ता है, मीट कराना पड़ता है। और वर्चुअली मीट कराते हैं तो प्लेन मिरर से जो इमेज ऑब्टेन होती है वो जनरली क्या होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। यानी कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज वर्चुअल इमेज होती है और वो इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा हमको इमेज ऑब्टेन होता है। तो मैं आपको बोर्ड पर बता करके बता रहा हूं, मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के इस तरफ क्या हो रहा है, पॉलिश हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉलिश हो रहा है। अगर पॉलिश होगा तभी तो इस यहां से अगर लाइट रे आएगी तो टकरा करके वो रिफ्लेक्ट होगी। तो अब मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये एक प्लेन मिरर है, मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। मान लीजिए इस लाइट, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकली और वो लाइट रे निकल करके, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, भावना को समझे मेरी। लाइट रे एक जो है यहां से निकली, फिर थोड़ी सी गलत हो गई, अब भावना को समझे मेरी, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली भावना इसलिए समझे क्योंकि हमको शूट करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, सुबह के 6 बज चुके हैं, तो मेरी भावनाएं थोड़ी सी हिल रही हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ये देखिए वापस लाइन रे थोड़ी सी बिगड़ गई है। ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर। इससे एक लाइट रे आई और वो लाइट रे सीधा जो है यहां पर आकर के प्लेन मिरर से हिट कर रही है, क्लियर है क्या। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो जब भी लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट को मिरर के हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे। अच्छा ये जो चीज मैं बना रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, रे डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, रे डायग्राम। अभी अभी मैंने बोला प्लेन मिरर का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट बताया कि प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जब भी कोई उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा और एज इट इज इरेक्ट इमेज बनेगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ, यही प्लेन मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, मैंने एक सेंटर लाइन यहाँ पर खींच दी है और उसके ऊपर मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन आ रहा है, ये लाइट है और ये लाइट रे यहाँ पर आ रहा है, क्लियर है क्या। तो ये लाइट रे आपके लिए क्या हुआ, इंसिडेंट रे। ये आपके लिए क्या हुआ, मिरर। और ये जहां पर आकर के टकराया वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको पता है कि जब ये आया है तो टकरा करके लाइट रे कहां जाएगा, वापस भी जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो लाइन ड्रॉ करी है उसको हम क्या मान सकते हैं, नॉर्मल। क्या मान सकते हैं, नॉर्मल। तो बेटा ये नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे एंगल क्या बनाती है, एंगल आई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलते हैं, एंगल आ। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है कि आई इज इक्वल टू आर। तो ये जितना एंगल इसने नॉर्मल से बनाया है एंगल आई, उतना ही वो एंगल आर बना करके लाइट रे जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम। तो एक रे तो हमने ऑब्जेक्ट से बना ली। मैंने आपको बोला था इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो रेस चाहिए होती है। मैं दूसरी रे बना रहा हूं। मान लीजिए दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट से निकली, मान लीजिए ये दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट से निकली और ये बिल्कुल सीधी गई, हालांकि ये थोड़ी सी टेढ़ी है पर आप समझे। मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट, ये एक इंसिडेंट रे इस ऑब्जेक्ट से निकली, बिल्कुल सीधी सीधी निकली, तो इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और यही इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहां पर वो लाइट रे जाकर के टकराई है उस स्मूथ सरफेस से, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आप चूंकि देखिएगा कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर मैं इस पर नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल भी यही लाइन बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंसिडेंट रे वो किस पे गिरा है, नॉर्मल पे गिरा है। और आपको पता है कि जब भी इंसिडेंट लाइट नॉर्मल पर गिरती है तो जिस पाथ पर गिरती है उसी पाथ को वो क्या कर जाती है,
रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसी पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। तो एक रे तो ये मिल गई और एक ये रे ये मिल गई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सेकंड रे मैंने बिल्कुल सीधी सीधी यहां पर गिराई, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यही हमारी इंसिडेंट रे। तो जब बिल्कुल रे सीधी जा रही है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं क्या बनाऊंगा, नॉर्मल बनाऊंगा। तो अगर नॉर्मल पे गिरी है तो वही पाथ को रिट्रेस करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोगों को पता है कि दो रेज मिली, अब ये रे जब रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी तो ये पीछे निकल जाएगी, क्लियर है क्या? और ये वाली जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी सीधी निकल जाएगी। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मुझे कभी नहीं लगता कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी फ्यूचर में भी आगे जाकर के मिलेंगी। अब जो चीज रे जो रेज आगे जाकर के नहीं मिलेंगी, उन रेज को हमको वर्चुअली कहां मिलाना पड़ता है, बैक साइड में। और जब वो बैक साइड में मिलेंगी वर्चुअली, तो वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और वो जो इमेज बनेगी उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज का मैं कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से क्लियर कर चुका हूं। तो मैं इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को बैक साइड में बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे, अगर इसको बैक साइड में बनाऊंगा तो ऐसे डैश डैश लाइन से बनाऊंगा, क्लियर। और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं बैक साइड से बनाऊंगा तो ऐसे डैश डैश लाइन से बनाऊंगा। ये डैश डैश लाइंस कहीं ना कहीं जाकर के मीट करेंगी, और जहां जाकर के मीट करेगी यहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और ये जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहां पर मीट करा तो यहां पर इमेज बनेगा। और ये इमेज आइडेंटिकल होगा एज इट इज, जैसा वो ऑब्जेक्ट है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा है, तो इमेज भी देखो ऐसी की ऐसी ही बनी है। यानी कि देखो, एक तो वर्चुअल इमेज बनी है और क्या बनी है, इरेक्ट बनी है, यानी कि सीधी बनी है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी की वैसी इमेज बनी है। ये प्लेन मिरर होता है। ये कैसा होता है? ये प्लेन मिरर होता है। मैंने आपको इमेज बना करके बता दिया प्लेन मिरर का टोटल कॉन्सेप्ट। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। अब प्लेन मिरर के मैं कुछ फीचर्स बताना चाहूंगा कि प्लेन मिरर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला फीचर तो क्या है, बड़ा प्यारा फीचर है कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग घरों में जो लुकिंग ग्लास होते हैं, यानी कि जो मिरर्स होते हैं जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, वो एक्चुअली प्लेन मिरर है। क्या है वो? प्लेन मिरर है, जिसमें आपको आपकी शक्ल बिल्कुल एज इट इज नजर आती है, जैसे आप हैं वैसे दिख रहे हैं। मतलब आपका सर ऊपर है पैर नीचे, यानी कि आप सीधे ऐसे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी बिल्कुल सीधी ऐसे खड़ी है, सर ऊपर है पैर नीचे है। मतलब वो इमेज सीधी बनी है, इरेक्ट बनी है। तो 101% है वो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। तो प्लेन मिरर से जो हमेशा इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, और जो इरेक्ट इमेजेस होती है वो हमेशा कैसी इमेजेस होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्चुअल इमेज को वी कैन नॉट टच इट। अगर आप उस वर्चुअल इमेज को टच करने की कोशिश करेंगे तो आप मिरर पर उंगली लगाएंगे तो वहां से भी उंगली बढ़ेगी। सिर्फ आप उसके उंगली से उंगली पॉइंट को मिला सकते हैं, पर आप उस इमेज को कभी भी टच नहीं कर सकते। उस इमेज को आप कर्टन पे कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। यही वर्चुअल इमेज की खासियत होती है। ये प्लेन मिरर का एक चीज आपको समझ में आया। दूसरा फीचर मैं आपको बताता हूं, प्लेन मिरर की सबसे प्यारी बात क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आपकी 5 सेंटीमीटर की है तो प्लेन मिरर से बनने वाली की जो इमेज है वो भी कितने की होगी, 5 सेंटीमीटर की बनेगी। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। दूसरी चीज मैं आपको तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज होती है कि वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है प्लेन मिरर की हेल्प से। सेकंड ये होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट जितना है उतना ही हाइट क्या रहता है, इमेज का रहता है। तीसरी चीज मैं बताऊंगा, जितनी डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है, ये जितनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर पर है, 7 सेंटीमीटर इस प्लेन मिरर से ये ऑब्जेक्ट दूर है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी प्लेन मिरर से 7 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है इमेज की इस मिरर से वो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे, सर हमने प्लेन मिरर तो देखा है पर क्या वो जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर के अंदर कहां बनती है? सर पीछे तो कोटिंग होती है। बेटा क्या होता है कि जो मिरर होता है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो उसकी डेप्थ में बनती है। हालांकि मिरर तो बड़ा पतला सा होता है, उसके पीछे तो कोटिंग होती है, उसके पीछे तो कुछ चीज नहीं होती, बट ये क्या होता है कि जो मिरर है उस मिरर के सामने आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है। मिरर के अंदर इन द सेंस कि वो एक रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, वो एक वर्चुअल थीम है जो मिरर के डेप्थ में बनती है, जो चीज हमें नजर आती है। हालांकि वो मिरर के पीछे नहीं होती, वो मिरर के डेप्थ में होती है। इस चीज को मैं और आगे अपने आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से इलैबोरेट और एक्सप्लेन करूंगा, पर वो मिरर के डेप्थ में, मिरर के अंदर होती है वो जो बनती है, जो हमें नजर आती है। मैं इसको बहुत अच्छे से आगे वाले आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स। पर अभी चौथा फीचर और मैं बता देता हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा, जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी डिस्टेंस इसकी है। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। आपने अगर कभी नोटिस किया हो, मिरर के सामने आप खड़े हैं, ठीक है, मिरर के सामने आप खड़े हैं तो इमेज आपकी बनती है। आप जैसे जैसे मिरर से दूर होते जाएंगे आपकी इमेज भी थोड़ी सी पीछे होती जाएगी। और इसका सबूत यह है कि जितना आप दूर होते जाएंगे तो आपका बीच का जो फ्लोर है
मिरर और इमेज, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में, आप जैसे आपके सामने मिरर है, जितना ऑब्जेक्ट पीछे होता जाएगा तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी भी सरफेस आती है, चाहे वो फ्लोर हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, ये सब चीजें भी नजर आती है इमेज के अंदर, वो इमेज भी थोड़ी थोड़ी पीछे होती जाएगी, और उस इमेज और मिरर के बीच में जितनी भी चीजें आ रही है वो भी आपको आपके मिरर के अंदर नजर आती जाएंगी। मैं पास आता जाऊंगा, इमेज भी पास आती जाएगी, मैं दूर होता जाऊंगा, इमेज भी दूर होती जाएगी, मैं जितना दूर होता जाऊंगा इमेज भी दूर होती जाएगी, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितनी भी चीजें वो सब चीजें आपको इमेज और मिरर के बीच में भी आपको अपनी अपनी इमेज में देखने को मिल सकती है। मतलब जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर का रहता है उतना ही डिस्टेंस प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज और मिरर का रहता है उसके अंदर। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों डिस्टेंस इक्वल क्या रहती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कॉमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में इलेबोरेट करके बता सकता हूँ। लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत प्यारा है, वो पॉइंट ये है कि प्लेन मिरर से जो भी इमेजेस बनती हैं वो लेटरली इन्वर्टेड बनती हैं। प्लेन मिरर से जो भी इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं? लेटरली इन्वर्टेड बनती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि प्लेन मिरर से जो भी इमेजेस बनती है वो कैसी बनती है? लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है बेटा कि अगर किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और उसने अपना राइट हैंड ऊपर किया तो इमेज के अंदर वो चीज उसकी क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड। अगर मैंने कोई मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, उसने अगर अपना राइट हैंड उठाया तो वही उस ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर के अंदर जो होता है वो जो इमेज है वो अपना कौन सा हाथ उठाएगा? लेफ्ट हैंड। अगर मैंने राइट हैंड उठाया तो वो लेफ्ट उठाएगा, अगर मैंने लेफ्ट हैंड उठाया तो वो राइट उठाएगा। इसका मतलब प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट का राइट साइड, मिरर के अंदर जो इमेज है वो उसकी क्या होती है? लेफ्ट साइड। यानी कि ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज की लेफ्ट होती है और इसका लेफ्ट उसका राइट होता है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो, अगर हम राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर में दिखेगा कि वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है, अगर अपन लेफ्ट हैंड उठाएंगे ऑब्जेक्ट तो मिरर के अंदर वो इमेज अपना राइट हैंड उठाती है। मतलब हमारा राइट इमेज का लेफ्ट, हमारा लेफ्ट इमेज का राइट होता है। यानी कि ये चीज क्या हो जाती है? रिवर्स। हमारे राइट एंड लेफ्ट जो है वहां पे जाकर के क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। और ये लेटरल इन्वर्जन आपको प्लेन मिरर्स के अंदर देखने को मिलता है। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने कोई अल्फाबेट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने एन अल्फाबेट प्लेन मिरर के सामने रखा तो आपको इमेज कुछ ऐसी बनाई देगी, आपको इमेज कुछ ऐसी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट इसका राइट हो जाता है और इसका राइट इसका लेफ्ट हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर है क्या? तो ये कुछ फीचर्स है जो प्लेन मिरर के होते हैं। प्लेन मिरर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इस साल आपका 2019 एंड 20 का जो बोर्ड का पेपर आएगा 2020 में 10th बोर्ड का, उसके अंदर आपको पता है कि पेपर के पैटर्न्स कुछ चेंज हो चुके हैं। पेपर के पैटर्न अब इस बार कैसे होंगे उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि इस साल का पैटर्न कैसा रहेगा 2019 और 20 का। पर मैं एक हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ, इस साल बहुत सारे MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, टू पॉज, वन वर्ड, ये सब चीजें पेपर में इंट्रोड्यूस होंगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं बता देता हूँ कि प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऐसे कौन से अल्फाबेट्स हैं जो प्लेन मिरर के सामने रख दिए जाएं और वो लेटरल इन्वर्जन शो ना करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ऐसे कौन से अल्फाबेट लेटर्स हैं जिनको प्लेन मिरर के सामने रख दें तो वो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज उनका बनेगा वो लेटरल इन्वर्जन शो ना करें। मतलब वो लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करेंगे, आप अगर उनके सामने रखोगे तो वो एज इट इज नजर आएंगे। तो ऐसे कुछ अल्फाबेट्स के बारे में बताइए या अल्फाबेट्स को लिखिए। तो मैं बड़े सिंपल सिंपल से अल्फाबेट से बता देता हूं। एक अल्फाबेट है बेटा ओ। अगर आप प्लेन मिरर के सामने ओ अल्फाबेट लिखेंगे तो इमेज में भी आपको कैसा नजर आएगा? ओ। क्लियर। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं और भी बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, और भी बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं। एक्स, तो यहां पर भी आप इमेज में क्या दिखेगा आपको? एक्स। तो एज इट इज ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, आप भी दिमाग लगाइए, सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसे और कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनको प्लेन मिरर के सामने अगर हम रखेंगे तो वो लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करेंगे। लास्ट टॉपिक है प्लेन मिरर का, वो ये है कि यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इस्तेमाल कहां कहां होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लुकिंग ग्लास में, आपके घरों में जो भी लुकिंग ग्लासेस हैं उनके सामने आप जब भी देखते हैं तो वो सारे प्लेन मिरर्स होते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल और कहां होता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप गोवा घूमने गए होंगे। एक्चुअली मैं गोवा टूरिज्म का कोई सपोर्ट आई मीन कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता देता हूं कि मैं जब गोवा घूमने गया था तो मैंने ये चीज बहुत ज्यादा देखी थी, बहुत ज्यादा नोटिस करी थी। कभी भी गोवा में अगर आप घूमने जाएंगे तो वहां पे ब्लाइंड टर्न्स बहुत होते हैं। ब्लाइंड टर्न्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप गाड़ी लेकर के ऐसे जा रहे हैं तो एकदम से यू टर्न होगा, ये गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और ऐसे यू टर्न होगा,
क्लियर है क्या? तो जैसे ही अगर मैं यूं जा रहा हूं और मैं यूं ऐसे यू टर्न करूंगा, मान लीजिए यहां से भी कोई गाड़ी आ रही है, तो दोनों गाड़ी हिट हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए गोवा के रोड्स पर, क्योंकि गोवा एक बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट है, नेशनल तो है ही सर, एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट भी है, बाहर से भी लोग आते हैं, तो एक्सीडेंट कम से कम हो। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, यानी कि गाड़ी आप ऐसे लेके जा रहे हो और अगला टर्न कैसा है, बिल्कुल यू, तो अगर आप गाड़ी ऐसे लेके जा रहे हो, यहां से कोई गाड़ी आएगी तो दोनों हिट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए प्लेन मिरर्स का बहुत प्यारा इस्तेमाल किया गया है। वो इस्तेमाल क्या है, जैसे अगर आप गाड़ी यहां से लेकर के जा रहे हैं, तो उसके जस्ट सामने वाली जो सर्फेस है, जस्ट सामने वाली सर्फेस, वहां पर प्लेन मिरर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? प्लेन मिरर। जैसे ही मैं आऊंगा उस प्लेन मिरर में, मुझे इस वाले रोड पे कौन गाड़ियां आ रही है वो मुझे सामने नजर आ जाएंगी। अगर मुझे दिख जाएगा प्लेन मिरर में कोई गाड़ी आ रही है, तो मैं अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली कर दूंगा स्लो, और उसके बाद मैं आसानी से लेकर के जा सकता हूं। वैसे इधर से कोई बंदा आ रहा होगा, उसको सामने प्लेन मिरर लगा हुआ है, और वो उस प्लेन मिरर में देख के पता लगा सकता है कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो वो इजीली अच्छे से टर्न कर सकता है, और गाड़ी आ रही है तो वो अपनी स्पीड को क्या कर लेगा, स्लो। तो एक्सीडेंटल के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। और ये प्लेन मिरर का बहुत अच्छा यूज है, एक तो लुकिंग ग्लास में, और एक ये ब्लाइंड जो टर्न्स होते हैं वहां पर सामने मिरर लगा दीजिए, उससे एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। तीसरा, सबमरीन्स जो होती हैं, सबमरीन्स को हिंदी में बोलते हैं पंडुपियां, जो पानी के अंदर पूरी तरह से सबमर्ज हो जाती हैं, डूब जाती हैं और उसके बाद तैरती हैं, उनके जो ग्लासेस होते हैं जिसकी वजह से वो बाहर देख सकते हैं, वो सारे के सारे जो ग्लासेस होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं। उनका एक नाम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, उनको बोलते हैं पेरिस्कोप्स बोलते हैं। उन प्लेन मिरर्स को जो सबमरीन्स में यूज होते हैं, उनको पेरिस्कोप्स बोलते हैं। और एक लास्ट मैं आपको बता दूं कि प्लेन मिरर का एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, वो है कैलाइडोस्कोप। बचपन में सीबीएसई के स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट्स मिलता है या नहीं भी मिलता हो, तो वो इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो बनाते हैं। कैलाइडोस्कोप क्या होता है? देखो, कैलाइडोस्कोप एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको बनाया जाता है। वो कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूं, पर बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, वो बहुत जल्दी से आप कैच करेंगे। अगर आप किसी गारमेंट की शॉप पे गए होंगे, आपने कोई कपड़ा पसंद किया होगा, तो आप ट्रायल रूम में जाते हैं। ट्रायल रूम में जैसे ही आप गेट खोलेंगे और बंद कर देंगे, तो ट्रायल रूम में आपको देखने को मिलता होगा इधर भी ग्लास, इधर भी ग्लास, इधर भी ग्लास, इधर भी ग्लास, 360 डिग्री पे ग्लास। और आप जब खड़े रहते हो तो आपको अपनी बहुत सारी इमेजेस नजर आती है। कभी कभार तो कंफ्यूज भी हो जाते होगी कि कौन है। अगर आप मान लो वहां पे दो जने भी खड़े हो जाओ, चारों तरफ इमेज आपके ग्लासेस ही ग्लासेस हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वो पर्सन कहां है, वो पर्सन कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है, इमेज कौन सी है। तो वो जो इतना सारा इल्यूजन पैदा होता है, उसी इल्यूजन को हमने एक छोटे से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं कैलाइडोस्कोप। क्या बोलते हैं? कैलाइडोस्कोप। एक्चुअली कैलाइडोस्कोप क्या होता है, बहुत सारी प्लेन मिरर्स को, बहुत सारी प्लेन मिरर की सर्फेसेस को आप एक साथ जोड़ दीजिए। ऐसा प्लेन मिरर, एक ऐसा प्लेन मिरर, एक ऐसा, ऐसा 360 डिग्री पर सारे प्लेन मिरर्स को लाइन से जोड़ दीजिए, नीचे से पैक कर दीजिए, ऊपर से पैक कर दीजिए, अंदर से सारे प्लेन मिरर को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, 360 डिग्री पे आपने प्लेन मिरर की बहुत सारी रेक्टेंगुलर सर्फेस को जोड़ दिया, ऊपर से पैक कर दिया, अंदर से भी पैक कर दिया, और अंदर बहुत सारे आपने थर्माकोल के बॉल्स, आपने अंदर बहुत सारे जो शाइनी पेपर्स होते हैं या कुछ भी अच्छी अच्छी ऑब्जेक्ट्स आपने डाल दी, और दोनों को ऊपर से और नीचे से डब्बे को बंद कर दिया, फिर ऊपर से एक छेद कर दीजिए, छेद कर दीजिए, और उस छेद में से आप अंदर देखेंगे तो आपको वो अंदर जितने भी अपने थर्माकोल के पेपर्स, कलरफुल पेपर्स या कोई भी चमकने से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपने डाली है, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो उसकी बहुत सारी इमेजेस बनेगी अलग अलग ग्लासेस के अंदर, तो देखने में बहुत वंडरफुल अच्छा लगता है। उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कैलाइडोस्कोप। तो अंदर उसके अंदर क्या यूज होते हैं, प्लेन मिरर्स यूज होते हैं। तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूं, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर के डेप्थ में बनती है, यानी प्लेन मिरर के अंदर ही बनती है, वो पीछे नहीं बनती, क्योंकि प्लेन मिरर के पीछे क्या होती है, कोटिंग होती है। ये प्लेन मिरर से सारे रिलेटेड डिटेल्स मैंने आपको बता दी, इसके अलावा इससे और कुछ 10th बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। आई होप आपको प्लेन मिरर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज डू कमेंट, और अगर आप ये कमेंट करेंगे मुझे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, डेफिनेटली फिर मैं उसके बाद एक और वीडियो और अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको एलेबरेट करूंगा। थैंक यू सो मच।